हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्लॉगर। होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ हेवी कोकोनट ऑयलिंग 200 ml के जो बॉटल होते हैं उसके। ये मेरे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैं उनका नेम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो मैं उनके ही बारे में बता रही हूँ। उनका ये रिक्वेस्ट था कि मैं हेवी हेयर ऑयलिंग बताऊँ और स्कूल में जाने के लिए उनको दो चोटी का स्टाइल बताऊं, तो वही मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। तो यहाँ मैंने कोकोनट ऑयल का बॉटल लिया हुआ है। ये 200 ml का बॉटल है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा इसका बॉटल होता है। और इसे मैं अपने पाम पे ऑयल ले रही हूँ और अपने हेयर को अच्छी तरीके से कॉम कर लूँगी। उसके बाद अपने हेयर पर ऑयल अप्लाई करूँगी और रफली यूज़ नहीं करना है, थोड़ा हेयर पे कुछ देर टाइम देके उसके बाद अपने हेयर पे ऑयल अप्लाई करें, जिससे आपका हेयर डैमेज नहीं होगा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपने हेयर पे रफली ऑयल अप्लाई करते हैं तो आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं आराम से। एकदम थोड़ा टाइम देके 5-10 मिनट आप टाइम निकाल लें और अपने तेल अपने बालों में तेल लगाएं। ऐसे करने से आपके बाल कभी डैमेज नहीं होंगे, कभी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप हेल्दी हेयर भी रहेंगे। तो यहाँ मैं इसी तरीके से अपने बालों पे ऑयल लगा रही हूँ। बालों के बीच में फिंगर से एक गैप बना ले रही हूँ। उसके बाद से अपने पाम पे ऑयल लेके कुछ इस तरीके से अपने पूरे बालों में लगा लूँगी। और यहाँ मैं अपने पूरे बालों में ऑयल अप्लाई कर ली हूँ और इसे अच्छी तरीके से कॉम कर लूँगी। आप देख सकते हैं ऑयल अप्लाई करने के बाद भी मेरे बाल उलझे नहीं हैं, आसानी से मैं कॉम कर ले रही हूँ। और आपको हमेशा कॉम के जो मोटे वाले पार्ट होते हैं उधर से ही कॉम करना रहता है जब आप ऑयलिंग कर लें, अदरवाइज आपके बाल बहुत उलझे होंगे। और पतले साइड से आप कॉम करेंगे तो आपके बाल बहुत टूटेंगे। उसके बाद आपको मैं एक हेयर स्टाइल बताऊंगी। तो ये मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल है, तो इसको मैं एक नॉर्मल सा चोटी करूंगी एक के ऊपर एक करके। उसके बाद मैं यहाँ दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगी अपने हाफ हेयर को कुछ इस तरीके से। अब मैं अंदर से अपने एक पार्ट के तरफ से थोड़ा सा हेयर निकालूंगी और इसे अपने जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मिला दूँगी। और सेम इसी तरीके से मुझे इस तरफ से भी करूँगी दूसरे पार्ट के तरफ से जिधर मैंने मिलाया था। और ऐसे ही करते हुए आपको अपनी पूरी चोटी कंप्लीट कर लेनी है। और हाँ, आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, वो मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचाएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरा इंस्टा का हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, वहाँ से आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं सेम आप देख सकते हैं मैं सेम वे में अपना हेयर स्टाइल करते जा रही हूँ और मैं काफ़ी इजी वे में यहाँ अपने हेयर स्टाइल डन कर लूँगी। और यहाँ मैं अपना चोटी लगभग से कंप्लीट कर ली हूँ, थोड़ा ज़्यादा बाल छोड़ूंगी
आप अपने अकॉर्डिंग नीचे चोटी के लिए कम ज़्यादा जो आपको पसंद है उतना छोड़ सकते हैं। और यहाँ मैंने अपना चोटी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ एक रबर से इसे रबर बैंड से बांध लूँगी कुछ इस तरीके से, एंड जो नीचे का पार्ट है उसे अच्छी तरीके से कम कर लूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा चोटी कितना अच्छा लग रहा है। आप भी अगर कॉलेज गर्ल हैं तो या स्कूल गर्ल हैं आप ऐसा बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टाइल लगेगा, आजकल ट्रेंड में चल रहा है। और इसे अपने फिंगर की हेल्प से जिस तरह मैंने अपने हेयर को चोटी को फैला हुआ है एक एक बाल खींच के फैला लें। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ भी नॉर्मल जो हेयर स्टाइल होता है थोड़ा सा हेयर ली हूँ अच्छी तरीके से कम करके और बाहर चोटी करने लगी हूँ, और एक्स्ट्रा से फ्रंट से मैं ले लेके उसमें ऐड करके फिर उसे अपने चोटी में मिला लूँगी जिस तरीके से। और ऐसे ही मैं अपने ईयर के जो इंड हो ईयर के जो स्टार्टिंग होते हैं वहाँ तक अपने ईयर को कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद इन सबको पकड़ के एक नॉर्मल सा सादा चोटी कर लूँगी। कॉलेज गर्ल के लिए या फिर स्कूल गर्ल के लिए उतना हेवी हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ हेवी हेयर स्टाइल अलाउ नहीं होते। और यहाँ मैं अच्छी तरीके से कॉम कर ली हूँ। उसके बाद मैं चोटी बना ले रही हूँ कुछ इस तरीके से। ये तो चोटी सब किसी को आता होगा। ये दोनों हेयर स्टाइल काफ़ी कम समय में हो जाते हैं। और यहाँ मैं ये हेयर स्टाइल कंप्लीट कर ली हूँ। और यहाँ मैं एक रबर बैंड लगा दूँगी और ऐसे बालों को खींच लूँगी ताकि मेरा हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगे। और ये देख सकते हैं मेरा हेयर स्टाइल डन हो चुका है। ये काफ़ी ट्रेंड में है, आजकल एक्ट्रेस भी ऐसा हेयर स्टाइल काफ़ी ट्रेंड में कर रही हैं, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।